हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर फाइव वाटर ज्योग्राफी का चैप्टर फाइव है ये। इससे ये हमारा पार्ट टू है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टेक अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज मतलब वाटर बॉडीज, जैसे जो हमारा पानी है उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट वी विल स्टडी इन दिस पैराग्राफ। आर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है उसको वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। इट इज़ बिक�ज, क्योंकि यहाँ पर 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। क्योंकि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो 71% से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। While only 29% is the land area, और हमारे पास जो land area यानी जो ज़मीन है वो सिर्फ कितनी है, that is 29%. The water is found in the oceans, seas, lakes, rivers, etc. अब जो पानी है आपको कहाँ कहाँ मिलता है देखने को, that is in oceans में मिलता है, sea में मिलता है, lakes में मिलता है, rivers में मिलता है। The domain of water is called the hydrosphere, और इस domain of water को हम किसको कहते हैं, that is hydrosphere. Though about 2/3 of the earth is covered with water, yet the water fit for human consumption is only 3%. जबकि हमें पता है कि हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, is covered with water. जबकि हमें पता है कि पृथ्वी जो है पूरा पानी से भरी हुई है, पूरा चारों तरफ पानी ही पानी है, but हमारे लिए यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनके लिए, कि वो जो कंज्यूम कर सकें, जो वो पानी पी सकते हैं, दैट इज़ ओनली 3%। वो सिर्फ 3% है जो कि हम ह्यूमन बींग्स जो है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। 97% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ सेलाइन वाटर, और 97% जो पानी है हमारा पृथ्वी पे, दैट इज़ सेलाइन वाटर। सेलाइन यानी नमकीन पानी होता है, दैट इज़ नॉट, वी कांट कंज्यूम दिस टाइप ऑफ सेलाइन वाटर, एंड इज़ फाउंड इन ओशियंस एंड सीज। और जो कि आपको पता है, जो ओशियन और सी यानी समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, मतलब नमकीन होता है, इतना नमकीन होता है दैट यू कॉन्ट इवन टेस्ट इट, आप उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और जो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं है। आउट ऑफ द 3% ऑफ फ्रेश वाटर, 2% इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स। अब आप देखिए, 3% पानी है हमारा, फ्रेश वाटर है, बट उसके अंदर से 2% जो है हमारा आइस कैप्स, मतलब जो आप देखेंगे ग्लेशियर्स वगैरह जो होते हैं उसमें है, उसमें उसके रूप में है हमारे पास। एंड ओनली 1% इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर, और हमारे पास सिर्फ 1% पानी ऐसा है, यानी 1% पानी ऐसा है जो सरफेस वाटर है, यानी जो ज़मीन के अंदर हमारा मिलता है वो सिर्फ 1% ही है। This is found in rivers, lakes, groundwaters, or in the gaseous form as water vapor in the atmosphere. और ये कि हमें किस किस तरह से मिलता है, जो हम सरफेस वाटर पे है, दैट इज़ फाउंड इन रिवर्स, मतलब हमारी नदी में मिलता है, लेक्स में मिल जाएगा आपको, ग्राउंड वाटर के अंदर मिलेगा, हमारी ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है, और इन द गैसेस फॉर्म या गैस के रूप में मिलता है, फॉर्म एज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। फ्रेश वाटर इज द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब जो फ्रेश वाटर हमें जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, बहुत ही, और जो नेचुरली प्राकृतिक तौर पर हमें मिलती है रिसोर्सेज के थ्रू, एंड मस्ट बी यूज जुडिशली विदाउट वेस्टिंग एंड पॉल्यूटिंग इट। इसलिए हमें इसे ठीक प्रकार से यूज़ करना चाहिए, इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए हमें इस पानी को, बिकॉज ये बहुत ही कीमती। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। Oceans are very large water bodies surrounding the continents. अब oceans जो है हमारी बहुत ही लार्ज, मतलब बहुत ही बड़ी एरिया में पाए जाते हैं, दैट सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेर के रखता है। देयर आर 4 मेन oceans ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। हमारे इधर से यहाँ पे जो मेन है वो दे आर 4, जो कि मेन oceans में आते हैं जो हमारी पृथ्वी पर है। दीज आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। दीज ओशंस हैव ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब जो ये ओशंस हैं वो हमारे हमारे देश पर यानी हमारे इंडिया के ऊपर, अगर पृथ्वी पर अगर देखें
तो ये अपना अलग इफेक्ट डालते हैं। अब अलग इफेक्ट से आप सोच रहे होंगे कैसा इफेक्ट, आपने देखा होगा मॉडरेटिंग जो हमारा जो मौसम बदलता है या चेंजेस आते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज सीज एंड ऑल। अगर आप देखें अगर मॉडरेट जैसे कुछ ऐसे एरियाज़ में आप चले जाएँ जैसे मुंबई है, सब जगह चले जाएँ, वहाँ आप देखेंगे वहाँ क्योंकि समुद्र पास में है तो देयर वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर नहीं आता, सेम टेम्परेचर वहाँ पे स्टेबल रहता है। तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ये समुद्र के पास होने की वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं दीज ओशंस हैव ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। द ओशन वाटर इज नेवर स्टिल, और हमारा जो ओशन का वाटर है इट इज़ नेवर स्टिल, वो एक जगह पर नहीं रहता। इट्स मूवमेंट कैन बी कैटेगराइज, अब इनका जो मूवमेंट है वो कैटेगराइज है, मतलब वो कैसे चलते हैं, मतलब कैसे वो एक जगह से मतलब बहता है पानी, उसको भी कैटेगराइज किया जाता है एज वेव्स टाइड्स एंड करेंट्स। अब इनको जो है वेव्स टाइड्स एंड करेंट्स में बांटा जाता है। दीज मूवमेंट्स आर कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर सैलिनिटी एंड प्रिवेलिंग विंड्स। अब ये जो मूवमेंट्स हैं ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण ये होता है कि एक तो टेम्परेचर है, सैलिनिटी एंड प्रिवेलिंग विंड्स, और प्रिवेलिंग विंड्स का जो मतलब जो गति है जिस तरह से चल रही है, हवा आ रही है, उसके वजह से भी इस पर असर आता है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं वेव्स के बारे में। When surface water of the oceans rises and falls alternately, they are called waves. अब जब आपने देखा होगा जो waves हैं यानी waves का जो बहने का जो तरीका है कि ऊपर फिर पहले ऊपर जाता है फिर नीचे की तरफ बहता है ये पानी, मतलब जब उछाल लेकर नीचे आता है तो they are all called waves. These are caused by the action of wind and of wind which pushes the water in and up and down movement. अब ये सब इसके पीछे क्या होता है रीज़न, ये होता है इसलिए क्योंकि जब भी हवा जो है कि जब भी हवा का जो दबाव इस पर पड़ता है तो ये क्या करता है, द वाटर जो होता है जो पानी है वो ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है क्योंकि हवा के दबाव की वजह से ये होता है। द वेव्स ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, और जो वेव जो है जो लहरें हैं वो उस तरफ जाती है जहाँ पर जो विंड का जो डायरेक्शन होता है उस तरफ बहती हैं। द शेप एंड हाइट ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। अब जो है कि वेव यानी लहरों का जो कि कितनी ऊंची उठ रही हैं लहरें या कितनी नीची चल रही है ये सब डिपेंड करता है स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ विंड के ऊपर, यानी हवा कितनी तेज़ी से चल रही है उस पे ये सब जो वेव्स हैं वो डिपेंड करते हैं। ए लाइट ब्रीज प्रोड्यूसेस जेंटल वेव्स, एक लाइट ब्रीज मतलब हल्के हल्के अगर हवा चल रही है सब है तो एक जेंटल वेव्स चलती रहेंगी, मतलब हल्के से सॉफ्ट सी वेव्स चलेंगी। वाइल ए स्ट्रॉन्ग विंड कॉजेज ह्यूज वेव्स, इस और लेकिन बहुत तेज आंधी आ जाए या बहुत तेज हवाएं चलने लगे तो उससे क्या होता है वो जो पानी है वो बहुत ह्यूज वेव्स के रूप में ले लेता है, मतलब बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। विच कॉजेज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन के पीछे मतलब कि जो कई बार अगर बहुत तेज आंधी तूफान टाइप का आ जाए तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी ये वेव्स हो जाती हैं। देखिए बेटा इनको कहते हैं हम वेव्स, दीज आर द वेव्स। इन वेव्स को मैंने अभी आपने पिक देखी कि वेव्स की पिक्स कैसी होती है, मतलब दीज आर कॉल्ड द वेव्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेव्स लाइक द टी सुनामीज आर द, जैसे हम इसको टी सुनामी बेटा इसमें लिखा हुआ है ना, तो हम इसको एक्चुअल में टी से साइलेंट होता है, देन वी विल प्रोनाउंस इट सुनामी। ओके, जाइन वेव्स लाइक द सुनामी आर कॉज बाय अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस ऑन द ओशन फ्लो। अब क्योंकि जाइन वेव्स मतलब बहुत सारी जो खतरनाक वेव्स वगैरह जो आती हैं तो वो उससे क्या होता है कि सुनामी वगैरह आ जाती है। वो सुनामी भी कैसे आती है उसके पीछे रीज़न क्या होता है, दैट इज़ ड्यू टू अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए अगर ओशंस में, ओशन के फ्लोर मतलब ओशन के मिड से बीच में कहीं अगर इस तरह से हो जाए तो उससे इस तरह की जो वेव्स हैं वो बिल्कुल जाइंट बन जाते हैं। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड एंड कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज, और ये जो वेव्स होते हैं वो इतनी तेज़ी से चलती हैं कि वो चारों तरफ सब कुछ ख़त्म कर देती, बहुत कुछ डैमेज कर देती हैं,
ऑल अलॉन्ग द कोस्टल रीजन्स वेयर दे स्ट्राइक, जहाँ भी वो टकराते हैं लहरें उस जगह को वो बिल्कुल तबाह कर देते हैं, बिल्कुल ख़राब कर देती हैं. द एशियन सुनामी विच स्ट्रक द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004. अब आपको बताएं, जैसे हमारी एशियन सुनामी जो हुआ आया था, जो कि विच स्ट्रक द इंडियन ओशन, जिसमें कि इंडियन ओशन में जो इतना इस तरह का हुआ था, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उस टाइम पे जब सुनामी आया था, दैट इज़ ऑन 26 दिसंबर 2004. और ये कब हुआ था? दैट इज़ ऑन 26 दिसंबर 2004. कॉज ड्यू टू एन अंडर वाटर अर्थक्वेक. और ये क्यों आया था, जो सुनामी आई थी उस टाइम पे, उसके पीछे ये रीज़न ये था कि अंडर वाटर यानी पानी के अंदर अर्थक्वेक आ गया था, इसलिए इतना इस तरह का उस टाइम पे सुनामी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी. इट वॉज वन ऑफ द डेडलीस्ट डिज़ास्टर्स रिकॉर्डेड इन मॉडर्न टाइम्स. ये एक बहुत ही बुरा, मतलब जो कहते हैं कि डिज़ास्टर रहा था, हुआ था इन मॉडर्न टाइम्स, एंड कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. और जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऊँची उस पर लार्ज स्केल पर बर्बादी हो गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जिस टाइम पर यह सुनामी आई थी. नाउ वी विल स्टडी इन आर नेक्स्ट सेक्शन. This is your part 2 completed here, completes here, and we will see you in next part.